हाँ नमस्कार। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले कि सर हिमाचल प्रदेश का नीट का कट ऑफ क्या जाएगा, प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो डालें बना करके। तो हमको मजबूर हो करके एनालिसिस करनी पड़ी, वीडियो बनाना पड़ा और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं। इसमें 10-20 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन संभावित कट ऑफ है, मतलब इसी रेंज में ये कट ऑफ रहेगा। और हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ यूपी बिहार के कंपेयर में कम जाएगा, ये 100% तय है। दूसरी बात देखा जाए, यूट्यूब पर मिश्रा क्लासेस चैनल के नाम से हमारा चैनल चलता है और इस चैनल में 9th क्लास, 10th, 11th, 12th और नीट के विद्यार्थियों के लिए सारे सब्जेक्ट के लेक्चर डाले जा रहे हैं और हर चैप्टर को पूरा पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। तो अगर जो मिश्रा क्लासेस यूट्यूब पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो लेक्चर खुल जाएंगे और आप खूब जम करके पढ़ाई करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछते रहिए, हम कमेंट बॉक्स से आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देते रहेंगे और लेक्चर तो कंटिन्यूस डाले जा रहे हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी, वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे अपडेट बने रहोगे, काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाएगी। और जो कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं, ये कट ऑफ फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग और लास्ट लेवल की काउंसलिंग के बीच कुछ भी हो सकता है और 10-20 नंबर का वेरिएशन होगा। फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग और लास्ट लेवल की काउंसलिंग में 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आता है। सपोज करिए फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग में लास्ट सिलेक्शन 100 नंबर पर हुआ है तो थर्ड नंबर की जो काउंसलिंग होगी उसमें 80 या 75 पर जाकर के रुकेगा सिलेक्शन। तो हर लेवल की काउंसलिंग को आपको ध्यान से देखना है, कहीं पर हमसे चूक न हो जाए काउंसलिंग में, ये बात विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसीलिए मैं चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम पूरी अपडेट आप तक देते रहेंगे। अगर बेल आइकन प्रेस कर लोगे, चैनल को लाइक कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी जानकारी हमको मिलेगी वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखा जाए हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ नीट में क्या होगा, कहां तक जा सकता है। तो अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 470 से लेकर के ये 470 से 500 के बीच हो सकता है। अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट आपकी होगी। और अगर जो ओबीसी कोई बच्चा है उसका कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी और जनरल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 460 से लेकर के 490 के बीच में जा सकता है। और अगर कोई बच्चा एससी का है, एससी में देखा जाए कितना कट ऑफ हो सकता है, एससी का कट ऑफ 400 से लेकर के 425 के बीच में जा सकता है। और अगर कोई बच्चा एसटी का है तो उसका कट ऑफ क्या रह सकता है, उसका कट ऑफ 350 से लेकर के 370 के बीच हो सकता है। अगर ये नंबर आ रहे हैं
हिमाचल प्रदेश के बच्चे के लिए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट का वो हकदार होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है, अनरिजर्व है, तो 470 से 500 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट उसको मिलना चाहिए। और अगर ओबीसी का है कोई बच्चा है तो 460 से 490 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उसको सीट मिलेगी। और एससी का कोई बच्चा है तो 400 से 425 के बीच आ रहे हैं तो एक सीट उसको मिलेगी। अगर एसटी का कोई बच्चा है तो 350 टू 370 के बीच नंबर आ रहे हैं तो 100% एक सीट उसको मिलेगी। ये संभावित कट ऑफ है। 10-20 नंबर अप डाउन भी हो सकते हैं, 10-20 नंबर इससे ज़्यादा या कम कट ऑफ भी जा सकता है, रेंज यही रहेगी। अब कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग में बाई चांस हमारा नाम नहीं आया तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब थर्ड लेवल की काउंसलिंग होगी तो फर्स्ट लेवल काउंसलिंग और थर्ड लेवल काउंसलिंग के बीच में नंबर का डिफरेंस जो रहता है 20 से 25 नंबर का रहता है। जो फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग होती है वो 20-25 नंबर ज़्यादा जाती है, और जो थर्ड लेवल की काउंसलिंग होगी, लास्ट काउंसलिंग जो होगी, वो 20 से 25 नंबर कम जाती है। तो काउंसलिंग पर विशेष तुमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेवल काउंसलिंग में लास्ट एडमिशन कितने पर हुआ है, सेकेंड लेवल की काउंसलिंग में लास्ट एडमिशन कितने नंबर पर हुआ है, और थर्ड लेवल की काउंसलिंग में कितने पर एडमिशन हुआ है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक आध बच्चे, हजारों बच्चों में एक आध बच्चा ऐसा होता है कि उसके नंबर तो सिलेक्शन लायक थे लेकिन काउंसलिंग में सही जानकारी न मिल पाने के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पाया। इसलिए काउंसलिंग की जानकारी, सही सही जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और इस सूचना को पहुंचने के लिए आपको चैनल लाइक करना है, वेल आइकन प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जैसे ही कोई हमको नई सूचना मिलती है काउंसलिंग से रिलेटेड, हम चैनल के माध्यम से वो सूचना, वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं वो नई साल मतलब दीपावली एक डॉक्टर के रूप में मनाएं, घर में बहुत सारी खुशियां आएं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी बच्चे नीट में बैठे थे सारे सेलेक्ट हो जाएं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम एक टीचर हैं, और टीचर होने के नाते हम ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि इस बच्चे का सिलेक्शन ना हो। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए और दीपावली में एज ए डॉक्टर नई खुशियों के साथ घर में उजाला फैलाएं, घर में रोशन करें एक नए उजाले के साथ में, और नई ऊंचाइयां छुएं। इसी के साथ में मैं अपने चैनल को बंद कर रहा हूं वीडियो को, और बहुत बहुत बेस्ट बेस्ट।